गाइस यहाँ ना पतले पतले रास्ते हैं, बहुत नीचे देखने पे डर लग रहा है। इतने पतले रोड हैं कि अगर एक गाड़ी सामने से आएगी ना तो हमें अपनी गाड़ी रोकनी पड़ेगी। और देखो कितना डेंजरस है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि रोड के ना इस साइड ना कोई सेफ्टी नहीं है और थोड़ा डर भी लग रहा है। और सबसे कमाल की बात क्या है कि अभी हमारी गाड़ी के पीछे कोई गाड़ी नहीं हमें दिखाई दी है, हमारे साथ ही। और जो हमारे साथ है ना, रागी भी पीछे वाले रास्ते से मुड़ गई है कि मैं इस रास्ते से नहीं आ रही हूँ, मैं वाया मसूरी वाले रास्ते से आऊंगी क्योंकि ये मुझे बहुत अनसेफ लग रहा है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो सुबह के बजे हैं 6:15 और हम पहुंच चुके हैं मेरठ और जा रहे हैं धनौलटी वाया हरिद्वार। और सुबह सुबह हमारी हो गई है खूब कसके वाली लड़ाई और मैंने दो चीजें तोड़ी हैं। एक चीज तो टूट चुकी है, बताऊंगी क्या तोड़ा है, और दूसरा बच गया है। और ये रिधांश है। हाय रिधांश, बताऊं क्या गाइस? नहीं अभी नहीं बताना। कह रहे बताऊं क्या? कांच। अब बताऊंगी मैं कांच, मतलब किस चीज का कांच तोड़ा है बताऊंगी। और सो और रिधांश गट्टू जो है, हम गट्टू को घर पे छोड़ के आ गए, सो रहा था वो उस टाइम। और यहाँ हमारे साथ जो जा रहे हैं ना, राखी जो मेरी फ्रेंड है उसके फैमिली जा रही है जो आगे वाली गाड़ी में है। और होपफुली हम कब तक पहुँच जाएंगे, हम निकले थे घर से 4:30 बजे तो पहुँच जाएंगे, मतलब 9-10 बजे के आसपास हम पहुँच जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी मेरठ जो है क्रॉस हो गया। सो मैं हरिद्वार पहुँच के मिलती हूँ और काफ़ी अंधेरा है अभी बाहर, दिखाती हूँ आपको। ये देखो कितना अंधेरा अंधेरा है। वो जा रही है राखी की गाड़ी और ये सारा भी अंधेरा है। सो पहुंच के मिलती हूँ मैं आपको। सो गाइस कितनी ज्यादा फॉग है और हमने अब डिपर ऑन कर दिया है गाड़ी का, देखो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट और मेरे ये सारी लेफ्ट में ना गंगा नदी है, मैं देखती बहुत खुश हो गई हूं। और रिधांश भी उठ गया, उठ गया बेटा, बंद करके उतर के बना ले। और ये देखो दिखा, मेरा कैमरा निकालो। आपका कैमरा कहाँ पर है? ये देखो सारा ना फॉग हो रखा है, ये एक पूल टाइप का बना हुआ है और हम इस पूल पे से जा रहे हैं अभी। बेसिकली हम जा रहे हैं अभी हर की पौड़ी पर और वहाँ अगर गाड़ी पार्किंग मिल गई तो हम लोग गाड़ी पार्क करके नहाएंगे, पूजा करेंगे। वैसे तो मैं सुबह नहा के आई, मैंने हेड भी वॉश कर लिया था, तो वो पानी देख के पता चलेगा भाई पानी का टेम्परेचर क्या है, अगर नहाने वाले हालात लगे तो ज़रूर नहाएंगे। सो मिलती हूँ मैं आपको हर की पौड़ी पहुँच। अंकल हर की पौड़ी किधर है? हर की पौड़ी, हर की पौड़ी ये तरफ है। पार्किंग, पार्किंग, पार्किंग आपको वो तो ये तरफ से जाना पड़ेगा। अच्छा, मेन उधर से रोड है, रोड के वो तरफ पार्किंग करके इधर, नहीं तो इधर बाजू में भी पार्किंग है, फिर इधर से ऑटो में जाना पड़ेगा। नहीं नहीं ऑटो में नहीं जाएंगे, ठीक है, वहाँ से भी पैदल है रास्ता, पैदल है ना उधर से। पार्किंग से गंगा जी तक का रास्ता थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है तो हम पैदल चल रहे हैं। और राखी बोरी, हाय राखी। हाय दिव्यांश, रिधांश कैसा लग रहा है? कोल्ड कोल्ड। रिधांश कैसा लग रहा है? कितना पानी है? इधर है, इधर। कैसा लग रहा है? ठंड लग रही है, मेरे को तो पानी देख के लग रहा है मैं कैसे नहाऊंगी। आंटी नहाएंगी? आंटी नहाओगे ना? मैं तो आंटी नहाने वाली हूं। और आंटी क्यों रहेगी? हां क्यों रहेगी? इसको तो डुबो देंगे पास। मैं तो नहाने डिसाइडेड नहीं है, देखते हैं।
सो फाइनली मैं खड़ी हूँ ब्रिज के ऊपर और वो है उधर हर की पौड़ी और बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत ठंड लग रही है, पर नहा तो नहीं पाऊंगी मुझे इतना पक्का पता है। शाम की आरती नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा, और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने गंगा में डुबकियां लगा दी तो गंगा में डुबकी लगाने पर आपके पाप धुलते हैं। तो अब हम जा रहे हैं धनहॉलिटी और हाँ भाई करेंगे स्नोफॉल। ज़्यादा है ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो जहाँ कहीं क्लीन सा वेदर दिखाई देता है मैं आपको वहाँ पहाड़ दिखाती हूँ। सो फाइनली जो है मैं मेरा GoPro ऑन कर रही हूँ कुछ अच्छे शॉट्स लेने के लिए। देख पतले पतले रास्ते हैं, बहुत नीचे देखने पे डर लग रहा है। एक्चुअली ना दो रास्ते जाते हैं, एक तो जिस रास्ते से हम जा रहे हैं मुझे उसका नाम नहीं मालूम है, और दूसरा रास्ता वाया मंसूरी जाता है ना, मंसूरी वो वाला रास्ता मैंने सुना है अच्छा है, बट हम दूसरे रास्ते से आ गए हैं और ये रास्ता बहुत ज्यादा अनसेफ है। तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप लोग भी इस रास्ते से आओ, आप वाया मंसूरी आओ, वो रास्ता मैंने सुना है सेफ है और चौड़े रोड है इनके रोड, ये वाले रोड तो बहुत ही बेकार है। मैं दिखाती हूँ आप, इतने पतले रोड है कि अगर एक गाड़ी सामने से आएगी ना तो हमें अपनी गाड़ी रोकनी पड़ेगी, और देखो कितना डेंजरस है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि रोड के ना इस साइड ना कोई सेफ्टी नहीं है, और थोड़ा डर भी लग रहा है। और सबसे कमाल की बात क्या है कि अभी हमारी गाड़ी के पीछे कोई गाड़ी नहीं हमें दिखाई दी है, हमारे साथ ही बाकी। और जो हमारे साथ है ना रागी भी पीछे वाले रास्ते से मुड़ गई है कि मैं इस रास्ते से नहीं आ रही हूँ, मैं वाया मसूरी वाले रास्ते से आऊंगी क्योंकि ये मुझे बहुत अनसेफ लग रहा है। तो ये देखो, और दूर दूर तक कोई भी गाड़ी नहीं है। आप नीचे देखो पूरे में फॉग है, इतना जबरदस्त ऐसा लग रहा है पहाड़ के मुंह में फॉग भरा हुआ है। और ये देखो रास्ता,
इतना पतला रास्ता है। In 200 meters, turn left. Again देख लो फॉग। बंद है धनोल्टी जाता है क्या रास्ता? धनोल्टी जा रहा है। कितने देर में पहुंच जाएंगे? करीब देहरादून के पास से हमने गाड़ी पहाड़ों पे चढ़ाना शुरू की थी और अब 3:30 बज गए हैं और अभी भी 30 किलोमीटर है, तो मुझे लगता है कि 1.5 घंटा अभी और लगने वाला है। वहाँ पर एक थोड़ा सा रिलैक्सिंग वाली बात ये लग रही है कि यहाँ थोड़े घर दिखाई देने शुरू हो गए हैं और बाकी जो ये रोड है ना वो बहुत ज़्यादा अनसेफ है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बजने वाले हैं और सूरज की जो रोशनी है ना वो इतनी तेज आंख में लग रही है, ड्राइव करना मुश्किल हो रहा है। और भाई हमें हो गए हैं पहली बर्फ के दर्शन। तो कुछ इस तरह की बर्फ यहाँ हमें थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है, बट ऑल टाइम की तरह अब की बार भी होटल का रूम ढूंढना हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है और वो हम सर्च कर रहे हैं। हमें चाहिए एक ऐसा होटल जहाँ से व्यू दिखे इस पहाड़ी का मस्त वाला मॉर्निंग में। और मैं बर्फ दिखाती हूँ, ये देखो, ये देखो पहाड़ी पे बर्फ पड़ी हुई है। जब मैं शूट करता हूँ तो फिर बंद हो जाता है। गाइस होटल का रूम हमें मिल गया है फाइनली और जो हमारी विंडो से व्यू दिखता है वो ऐसा दिखता है, कुछ हिमालय व्यू दिखता है यहीं से। और जो रूम का चार्ज है वो 1000 रुपीज़ है, सस्ते में मिल गया ना। और व्यू बहुत अच्छा है और बिल्कुल रोड पर है ये होटल। और वहाँ हमने नीचे अपनी कार पार्क कर दी है और वो आ रहे दीपक सामान लेने गए थे। क्या लग रही विधांश? ठंडी लग रही है आपको? आज दिल जाएंगे दे मेरे को।
मैंने खाना क्या ऑर्डर किया मैं आपको बताना ही भूल गई, और दो रोटी खा ली तो मुझे याद आया कि एटलीस्ट मैं दिखा देती हूँ कि खाना यहाँ कैसे आता है। जो खाना आता है ना वो बॉक्सेस में आता है, मतलब आप टेबल पे बैठ के ऐसे ऑर्डर दोगे और खाना आपको ऐसे इन बॉक्सेस में मिलेगा, ताकि आपका खाना ठंडा ना हो, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और जैसे ही खाना वो सर्व करते हैं सर्व करने में ही ठंडा हो जाता है। सो मैंने ऑर्डर किया मिक्स वेज और दाल, मैं दिखाती हूँ। और ये मिक्स वेज थी और ये दाल है, हमारा खाना ख़त्म हो चुका है और मैं तब दिखा रही हूँ आपको। और ये दाल है, दाल गर्म है, तवा रोटी, दाल, मिक्स वेज। सो अब मैं खाना फिनिश करके होटल पहुँच के फिर आपको मिलती हूँ। कैसे खाना भैया, आपको घर का खाना तो कहीं मिलेगा नहीं, तो ऑल टाइम आप घर का खाना तो मिस करने वाले हो, बट यहाँ का खाना सोसो है, काम चला हुआ है, मतलब महंगा मिलेगा क्योंकि यहाँ ऑप्शंस कम है, पूरा एक विलेज एरिया है। और रात को अभी 6:30 हुए और मैं 6:30 बैठ के डिनर कर रही हूँ, और कैन यू बिलीव कि यहाँ के रोड ऐसे हो गए हैं जैसे रात के 11 बजे हुए हैं। सो गाइज, ये था हमारा डे वन द रॉयल्टी में। हमें एक्सपेक्टेड था कि हम लोग 12 बजे तक या 1 बजे तक यहाँ पहुँच जाएंगे, पर यहाँ पहुँचते और हम जो रास्ता भटक गए और दूसरे रास्ते से आए, मंसूरी वाले से नहीं आए, तो उस रास्ते से यहाँ पहुँचने में हमें 4 बज गए। और फिर हमें होटल का रूम ढूंढने में, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमेशा होटल का रूम ढूंढना, तो उस रूम को ढूंढने में हमें कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगा। सो 5 बजे के करीब हमें रूम मिला, और फिर उसके बाद हमने अपना सामान वगैरह रखा। देन इसको ठंड लगी है, ठंड लगी है, कैसे लग रहा है आपको यहाँ? ठंडी बहुत है, और यहाँ जो बॉटल में जो ऑयल होता है ना वो भी जम गया है, मतलब इतनी ठंड है। और वो सामने वाले पहाड़ों पे ना, देखो अभी मैं दिखाती हूँ आपको फ्लिप करके, सामने वाले पहाड़ों पे काफी बर्फ गिरी है, तो यहाँ तो काफी अच्छी धूप निकल गई है। yes, guys. Yes. और अब हम रेडी हो चुके हैं, बस शूज डालने रह गए हैं, और अभी हम यहाँ के जो पॉइंट्स हैं वो देखेंगे, और इस व्लॉग को डे वन को मैं यहीं ख़त्म करूँगी, और यहाँ के पॉइंट्स देखेंगे, देन यहाँ से हम जाएंगे मंसूरी के लिए। और डिपेंड करता है, अगर मुझे मंसूरी अच्छा लगा तो मैं वहाँ रुकूँगी, नाइट स्टे करेंगे और मंसूरी को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तैयार हो? तैयार। घर जाना है या घूमने जाना है? घूमने। घर चल, खाना गई। धक्के खाने, पता है क्यों बोल रहा है ये? कल हम लोग ना एक्चुअली ये थक गया था चलते चलते, तो मैंने इसको बोला कि देख अगर हमारे साथ आएगा तो धक्के खाने पड़ेंगे, और घर रहेगा तो तेरे को शांति मिलेगी। अब तुझे बता, तुझे शांति चाहिए या धक्के चाहिए? फिर थोड़ी देर में सोच सोच के बोलता है मुझे धक्के चाहिए, इसलिए बोल रहा है मैं धक्के खाने के लिए तैयार हूँ। सो गाइज, इस वीडियो को मैं फिनिश करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर देना, और भूलना मत। और बाकी जो डिटेल्स हैं, हमने कितने का पेट्रोल भरवाया, हमने कितने का रूम लिया, सब व्लॉग में मैंने आपको बता ही दिया है। और दिल्ली से धनौल्टी का जो रास्ता है वो कितना है किलोमीटर दीपक? 311। इसको भी ठंड लग गया। 311 किलोमीटर दूर है ये, और मसूरी से 65 किलोमीटर, नहीं मसूरी से ये 22 किलोमीटर दूर है, और देहरादून से 65 किलोमीटर दूर है। सो मिलती हूँ मैं आपको, अब जा रहे हैं हम थोड़ा एक्सप्लोर करने ये एरिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बाय बाय। कि मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने एक चीज़ तोड़ दी, और इधर दीपक को हंसी आ रही है, और वैसे ही अच्छा काम नहीं हुआ है, जो भी हुआ है गुस्से गुस्से में गलत हो गया है, बट नुकसान जो है कुछ ज़्यादा हो गया। मैं दिखा देती हूँ कि वो जो नुकसान है मुझे 25,000 से 30,000 रुपये का हुआ है। मैंने एक्चुअली मेरी गाड़ी में स्टीरियो लगवाया था, जब मैंने गाड़ी परचेज़ की थी सोनी का स्क्रीन वाला स्टीरियो था, और जब हम मारे थे तो आते आते हमारी बहस हो गई और मुझे गुस्सा आ गया और लड़ाई हो गई, और मैंने ऐसे करके मार दिया इस पर हाथ, और ये टूट गया, ये देखो, और अब ये बिल्कुल चल नहीं रहा है, अब डब्बा बन चुका है ये। और मतलब जब हाथ मारा था ना उसके कम से कम 1 घंटे बाद तक भी ये चलता रहा, फिर जरूर जरूर मर्र की आवाज़ आती रही, और उसके बाद ये बिल्कुल डेड हो गया, मर गया, ख़त्म हो गया। सो ये नुकसान हो गया मुझे, और जो कि मेरी वजह से हुआ है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट हो गया, अब कुछ कर नहीं सकते हैं। और हम जब गए हैं और आए हैं तो हमारे आने और जाने वाले रास्ते में हम बिना म्यूज़िक सुने गए और बिना म्यूज़िक सुने आए।